हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार किचन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चूरमा के लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ ही स्वादिष्ट भी बनती है और बहुत सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। हम इसे बिना तले हुए बनाएंगे। अगर आप हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी होने वाली है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये गेहूं का आटा, ये मोटा वाला गेहूं का आटा लिया हुआ है मैंने, मतलब कि थोड़ा दरदरा टाइप से आटा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया हुआ है 2 बड़े चम्मच सूजी, ये मोटी वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और साथ ही मैंने लिया हुआ है 1/2 कप गुड़, जिससे मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर, इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। और कुछ बादाम का मैंने पाउडर टाइप से बना लिया है। और साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच घी। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1/2 कप नॉर्मल दूध। घी की मात्रा को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आटे को इस बाउल में डाल लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे ये सूजी, ये मोटी वाली सूजी को ऐड कर लिया। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है ताकि ये आपस में ढंग से मिल जाएं। इस तरीके से मिला लेना है। दोस्तों आप चाहें तो इसे तल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तलना अवॉइड कर रही हूँ, ये आपकी मर्जी रहेगी। अगर आप तल के इसे बनाना चाहते हैं तो आप तल के भी इसे बना सकते हैं। ये मैंने घी ऐड कर लिया इसमें। घी का यूज़ आप अपने हिसाब से ही करें। आपको ज़्यादा घी वाली चीज़ें पसंद है तो आप घी का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, और कम पसंद है तो घी को कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, घी मिलाने के बाद इसे सूखा ही 4 से 5 मिनट तक के लिए मिला लेंगे। सूखा ही मिलाएं पहले। इस तरीके से देखिए चेक कर सकते हैं कि हमारा आटा सेट हुआ कि नहीं हुआ। आटे को ऐसे मुट्ठी में हम ले लेंगे। ये देखिए चेक कर लेंगे, अगर गुठलियाँ बनने लगी टाइट से तो आप समझिए कि आपका आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। ये आटा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो दूध लिया हुआ है उसे डाल लेंगे इस तरीके से चम्मच से। ध्यान रखें दूध को एक साथ ही पूरा ना डालें, धीरे धीरे करके ज़रूरत के हिसाब से ही दूध को ऐड करें, क्योंकि हमें इसका एक सख्त डो टाइप से बनाना है। गीला नहीं करना है आटे को बिल्कुल भी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दूध का यूज़ करें इसमें, और इसका सख्त डो बना के हम तैयार करेंगे। दोस्तों अगर आपको इसको तल के बनाना है तो आपको क्या करना होगा कि इसके छोटे छोटे पेड़े टाइप से बनाने होंगे और उनको तलना होगा मीडियम फ्लेम पे। और तब जाके उसको आपके लड्डू बनेंगे। थोड़ी मैं दूसरी टेक्निक से इसे बना रही हूँ। इसे मैं रोटी टाइप से सेक के बनाऊंगी, जिस तरीके से हम रोटी को सेकते हैं उसी तरीके से मैं इसे बनाऊंगी। थोड़ा दूध का यूज़ और कर लेंगे और इसे इस तरीके से मसलते हुए मिला लेंगे। इस तरीके से मैंने सख्त टाइप से डो बना के तैयार कर लिया है इसका, आप देख सकते हैं। ये तैयार है बिल्कुल ही, ये देखिए बिल्कुल सख्त डो बना हुआ है। ये डो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड कर लेंगे और इसे हम रोटी की तरह बेलना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से लोई टाइप से बना लेंगे। देखिए मैंने 4 लोई बना के तैयार कर ली है यहाँ पर। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। बस कुछ नहीं करना, जिस तरीके से हमें रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसे बेलना है। बस ध्यान रखें कि इसे थोड़ा मोटा ही बेलें। इस तरीके से बेल लेंगे। कोई सा भी आकार दे सकते हैं आप इसको, ज़रूरी नहीं कि आप इसे गोल ही बनाएं। अगर गोल नहीं बन रहा है तो किसी भी तरीके से आप इसे बेल सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे गोल ही बेलें। ये देखिए मैंने रोटी को बेल लिया है, अब मैं इसे इस प्लेट पे निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सारी रोटियों को इस तरीके से बेल के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने लोहे का तवा रखा हुआ है गैस पे, इसे डाल लिया मैंने और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें सेकना है। बिल्कुल तेज़ आंच ना करें गैस की, मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लें ताकि ये अंदर से पूरी तरीके से पक जाए। पलट लेंगे और इसे ऐसे प्रेस करते हुए सेकना है हमें। इसे तब तक सेकें जब तक कि इसमें ब्राउन ब्राउन कलर की चित्ती टाइप से ना आने लगे, और इसे जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस इसे ऐसे प्रेस करते हुए हमें सेक लेना है ताकि ये ढंग से पक जाए। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है रोटी को। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। चारों ओर से ऐसे प्रेस करते हुए पका लेंगे इसे। ये देखिए ये बिल्कुल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी। ठीक इसी तरीके से हम सारी जो रोटियां टाइप से हमने बनाई हुई हैं वो सारी सेक लेंगे। इसी तरीके से इसे भी सेक लेंगे हम। ये देखिए इसमें भी ब्राउन कलर की चित्ती आ चुकी है, ये सिक चुकी रोटी हमारी। इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारी रोटियों को इसी तरीके से सेक लिया है। अब मैं इन्हें थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसके इस तरीके से टुकड़े टाइप से बना लूंगी, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इसके, क्योंकि हमें इसका एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पाउडर टाइप से बनाना है। इस तरीके से छोटे टुकड़े कर लेंगे इसके। ये मैंने इसके टुकड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर टाइप से बना लेंगे। थोड़ा ठंडा ही होने दें इसे, तभी जाके इसका पाउडर टाइप से बनाएं। देखिए इस तरीके से इसका पाउडर टाइप से हमें बना लेना है, एक दरदरा टाइप से पाउडर बनाना है। अब हम इसे एक बाउल पे फिर से निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है इसे बाउल पे, आप देख सकते हैं किस तरीके का इसका पाउडर बनाया है। तब तक हम क्या करते हैं, गुड़ की एक चाशनी टाइप से बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में घी रखा हुआ है। घी थोड़ा सा जब हमारा गर्म हुआ है तो हमने इसमें ऐड कर लिया है गुड़। गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको पिघलाने तक ही हमें इसे पकाना है। ऐसे चलाते हुए गुड़ को पका लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना गुड़ को, बस इसको मेल्ट होने तक, मतलब कि पिघलने तक ही इसे चलाएं। इस तरीके से आप देख सकते हैं गुड़ भी हमारा पिघल चुका है सही तरीके से। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। ऐड कर लेंगे इसमें सौंफ का जो हमने पाउडर टाइप से बनाया हुआ था उसे ऐड कर लें, और साथ ही मैंने ये बादाम का जो पाउडर बनाया हुआ था उसे भी इसमें ऐड कर लिया है। मिला लेते हैं इसे। इस तरीके से मिला लेना है। ये मिला लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे उस आटे में मिला लेंगे, मतलब कि जो रोटियों को हमने पाउडर टाइप से बनाया हुआ है उसमें इसको मिला लेना है। ये देखिए मिला लें इसे इस तरीके से।
इसमें डाल लिया है। पहले इसे थोड़ी चम्मच से मिला लें, जब आपको लगे कि थोड़ा ठंडा हो चुका है तभी इसको हाथ से मिलाएं, वरना ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इससे हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सावधानी रखें। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है, मुझे लग रहा है कि ये इसमें हाथ से अब ये हो सकता है, और इसे इस तरीके से मिला लेना है। अगर आपको लगता है कि इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे तो आप इसमें घी का यूज़ और कर सकते हैं। इस तरीके से मिला लेना है इसे सही तरीके से। ये देखिए ये लड्डू बनना स्टार्ट करते हैं। चेक कर लें हाथों से कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा घी का यूज़ और कर लें इसमें। ये देखिए तैयार है। अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का प्रेस करें मुट्ठी बंद करते हुए, और इसे एक लड्डू टाइप से आकार दे दें। देखिए इस तरीके से जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है उतना आप ये पाउडर ले सकते हैं। छोटा बनाना है तो कम लें, अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो फिर इसे ज़्यादा ले लें। जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है बड़े लड्डू में, इसे ज़्यादा ले सकते हैं। को ये एक लड्डू बन के हमारा तैयार है। ठीक इसी तरीके से दूसरा लड्डू भी बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे हाथों से हल्का हल्का प्रेस करें, ज़्यादा तेज से प्रेस नहीं करना, हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से बन जा रहा है हमारा लड्डू। ये देखिए दूसरा लड्डू बना लिया हमने। ये देखिए तीसरा लड्डू बना रहे हैं हम। दूसरे हाथ से दिखा देती हूँ आपको क्योंकि ये कैमरे में नहीं आ पा रहा होगा। ये देखिए ये भी लड्डू हमारा बन के तैयार है। सारे लड्डू हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। ये देखिए ऐसे प्रेस करते हुए दबाते हुए बनाएं इसे। ये देखिए ये भी बन के तैयार है हमारा लड्डू। ये देखिए ये पांच लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं हमारे, और भी बाकी के लड्डू हमने इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। और थोड़ा गार्निशिंग के लिए मतलब सजावट के लिए मैंने इसमें ऊपर से बादाम लगा लिया है। ये देखिए दोस्तों हमारे हेल्दी चूरमा के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हुए हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।